गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ संख्या पहला भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण था। उसी प्रथम पाठ के अंतिम जो हमारा टॉपिक था व्याकरण, जिन्हें हम ग्रामर कहते हैं। आइए इस व्याकरण को मुख्यतः तीन भागों में पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आइए इसके तीनों भेदों के अंतर्गत सबसे पहला मुख्य भेद है जो व्याकरण को पढ़ने के लिए, ग्रामर को पढ़ने के लिए वह हमारा बनता है वर्ण विचार। वर्ण को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं ऑर्थोग्राफी। आइए हम जानते हैं कि ये वर्ण क्या होता है। वर्ण से तात्पर्य हम सामान्यतः पढ़ते हैं इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर उसे कहते हैं कि लिपि की सबसे छोटी आकृति से कहते हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी भी से वार्तालाप करते हैं और उनसे हमारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वो जो विचार जो आदान प्रदान किया जाते हैं उनकी कुछ ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों को हम जब लिखित रूप देते हैं तो उनकी एक लिपि कहलाती है और लिपियाँ ही हमेशा वर्ण कहलाती हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं, उसके बाद उसके जो विस्तारित रूप में जानने का प्रयास करते हैं। वर्ण यानी अक्षर से कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर आप अल्फाबेट कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिपि जिसे आकृति कहते हैं या ढंग कहते हैं, लिखने के ढंग को कहते हैं, कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में लिखा जाता है और इसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी के द्वारा हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, शब्द से हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य से हम पैराग्राफ बनाते हैं और इस प्रकार से हम एक बड़ा सा गद्यांश रूप ले लेते हैं। कहते हैं कि वर्ण हमारे व्याकरण के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। उसी के तहत हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारा शब्द है साथी। अब साथी का वर्ण विच्छेद करते हैं या वर्णों का मेल कैसे करते हैं वो सारी बात दिखी। स से बना स प्लस आ यानी सा, थ प्लस ई यानी थी, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है साथी। इसी प्रकार अनेक प्रकार के और भी एग्जाम्पल बनते हैं जिनको हम आराम से को पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका वर्ण का। जैसे हमने कहा क अ ल अ म प्लस अ। अब इन ध्वनियों को हम जोड़ते हैं, जब इनका संधि योग करेंगे तो जो आगे बन जाता है कलम, यानी एक शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग आकृतियां हैं, जैसे ये आकृति है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये सारे के सारे अलग अलग आकृतियां हैं, ये सारी की सारी वर्ण कहलाते हैं, हिंदी के अनुसार वर्ण कहलाते हैं। अब आइए इन वर्णों को पढ़ने के लिए कितने प्रकार के वर्ण होते हैं वो हम उस वर्णमाला में देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है वर्णमाला। वर्णमाला उसे कहते हैं, इन्हीं वर्णों का एक समूह जो ग्रुप बन जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल लगभग 52 अक्षर माने हैं, 52 लेटर्स हैं, जिनको हम एक वर्णमाला के समूह में पढ़ते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल और जोल से हम शब्द बनाते हैं और वाक्य रचना पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला को कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी जो जितने भी अ से लगाकर ज्ञानी तक अक्षर बनते हैं उन्हों का जो ग्रुप है, जो समूह बनता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से अक्षर को किस किस नाम से बुलाते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। सबसे पहला इन वर्णमालाओं के अंतर्गत स्वर कहलाता है,
अब देखिए स्वर किसे कहा जाता है, स्वर कहते हैं जब भी कोई ध्वनि हम निकालते हैं अपने मुंह से जो एक स्वतंत्र रूप से निकलती है बिना किसी रुकावट से, हम जब श्वास के साथ छोड़ते हैं ध्वनि को तो वह स्वर की श्रेणी की ध्वनि कहलाती है। जैसे अ से लगाकर आओ तक, अ आई ई ऊ ए आई और आओ, ये प्रयोग लाकर 11 जो अक्षर बनते हैं ये सारे अ से लगाकर आओ के बीच में आने वाले सारे के सारे 11 अक्षर ये सारे के सारे स्वर की श्रेणी में माना गया है, इन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर कहते हैं। दूसरे उससे अगले वाले जो व्यंजन है, वैसे सामान्यतः क से लगाकर ग ज्ञानी तक सारे व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन इन व्यंजनों को भी हमने कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श माने टच करना। जब कोई भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो हमारे मुंह के अंदरूनी जो अंग है, मुंह वाला भाग है, तालू वाला भाग है, कंठ वाला भाग है, होठ वाला भाग है, इनसे स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनको सारों को स्पर्शी रूप में कहा जाता है। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो क से लगाकर म तक आते हैं। कहाँ से लगाकर? क से लगाकर म तक, यानी जो भी जितने भी पांचों वर्ग है, क वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग, जो प वर्ग है, ये जो पांचों वर्ग है, ये पांचों के पांचों वर्ग हमारे स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन से क्या कहलाता है जो हवा के साथ हमारे अंदर से हवा निकलते हुए निकालते हैं, जैसे य र ल व, पर अपने आप स्वतः ही अंदर से हवा के साथ में इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए हमने इसको कहा है अंतस्थ व्यंजन। फिर अगला है उष्म व्यंजन, उष्म से तात्पर्य है गर्म हवा जिसे कहते हैं गर्म। मुंह से जब ऐसे वर्णों को बोला जाता है जब उसके अंतर्गत जो वायु है वो गर्म ध्वनि के साथ गर्म हवा के साथ बाहर निकलती है, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। श श श और आ, ये चारों जो हैं जो व्यंजन हैं इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसमें दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे श त्र ज्ञ और श, इनके अंतर्गत दो दो व्यंजन आते हैं, ये सब दो दो व्यंजन से जुड़े होते हैं, इनके मध्य दो दो व्यंजन जुड़े जाते हैं। हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन अभी हमें ये देखना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। देखिए सशक्ति वाला त्रय ज्ञ और श, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला बिंदु है हमारा अयोगवा, हिंदी के अंतर्गत जो अ से लगाकर औकृत स्वर माना गया है उसके बाद जो आने वाले दो जो जो हमें एक स्वर की श्रेणी के अंदर कभी पढ़ लेते हैं पीछे की तरफ, तो देखिए ये जो अंग अ है इनको हम अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला के अंदर दो अतिरिक्त या दो अन्य व्यंजन भी होते हैं ड और ड, जो उसके साथ में बिंदी के साथ आते हैं, इन्हें अन्य व्यंजन भी कहते हैं। ये था पूरा का पूरा वर्णमाला का एक समूह जिनको हम वर्णों के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी श्रेणी के अंदर हम वर्णों को जानने का प्रयास करें। अब आगे देखते हैं वर्णों के भेद, वर्णों के प्रकार। वर्णों को हमने सामान्यतः दो प्रकार से पढ़ा है, पहला स्वर दूसरा व्यंजन, यानी एक तो स्वर वाला भाग दूसरे सारे सारे एक व्यंजन वाला भाग। अब देखिए यहाँ पर वापस पुनः इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्वर, स्वर किसे कहा जाता है ये हमारे प्रश्न जाता है। स्वर उन्हें कहा जाता है जब कभी भी हम ध्वनियों को श्वास वायु के द्वारा बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में उन वर्णों का उच्चारण कहते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं अ से लगाकर आउ तक, अ से लगाकर आउ तक जितने भी अक्षर आते हैं यानी 11 अक्षर आते हैं ये सारे के सारे स्वर की श्रेणी में माने जाते हैं। अब देखिए इन स्वर, इन स्वरों को भी हमने तीन भागों में बांटा है, यानी इसके तीन भेद, कितने भेद है? तीन भेद। पहला कहलाता है हस्व स्वर, दूसरा कहलाता है दीर्घ स्वर, तीसरा कहलाता है प्लुप्त स्वर। स्वर की श्रेणी का जो पहला हस्व स्वर माने सबसे छोटा स्वर कहलाता है, जो 11 प्रकार के स्वर हैं अ से लगाकर आउ तक, इसके अंतर्गत जो कम समय में बोलने वाले जो स्वर होंगे उनको हस्व कहते हैं। कहते हैं कि जिन ध्वनियों को बोलने के लिए कम से कम समय लगता हो उसे हस्व कहते हैं,
तो देखिए हर्ष व्यक्ति की श्रेणी में मुख्य तौर से आने वाले अ ई उ और री ये चार स्वर है जो हर्ष स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आगे वाले जो स्वर है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। कहते हैं कि जब कभी भी जब स्वरों को बोला जाता है उन स्वरों को बोलने के लिए हर्ष स्वर की तुलना में दुगुना समय लगे। इस स्वर को बोलने की जो समय सीमा है उससे उसका डबल समय लगता हो दुगुना समय लगता हो तो वहाँ पर दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ ई उ ए आई ओ और आओ ये जो स्वर है मुख्य तौर से सात स्वर है जो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके अतिरिक्त एक और स्वर कहलाता है वो कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सिंबल होता है जिनको त्रिगुना भी कहते हैं। कहते हैं कि हर्ष स्वर की तुलना में इस स्वर को बोलने के लिए तीन गुना समय लगता है। यानी स्वर को बोलते हैं इसको तीन गुने समय के अंतर्गत बोला जाता है इसीलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सामान्य संस्कृत के स्वरूपों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम शब्द बोलते हैं इसके मध्य जो आने वाला जो स्वर है इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। तो जब कभी भी हमें शब्द स्वर्ण अक्षर शब्द को बोला जाता है तो ओम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर इस ध्वनि की तुलना में इस ध्वनि को बोलने के लिए तीन गुना समय लगता है। ये थे हमारे स्वर। अब देखिए आगे इसके बिंदु के श्रेणी के अंदर आगे देखते हैं इन स्वरों की मात्रा। हिंदी के अंतर्गत जो मुख्यतः 11 स्वर है उसके अतिरिक्त दो अयोगवाएँ उनकी भी मात्राएँ बनाई गई हैं। आइए जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं कितने थी। स्वरों की मुख्यतः मात्राएं लगभग 12 होती। अ की कोई मात्रा नहीं थी। अ के सामान्य तो उसके लिए डैश ही है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है उसके लिए हम सामान्यतः इसको डैश का ही प्रयोग करते हैं। देखिए उससे अगला वाला जो वर्ण है आ है उसके लिए मात्रा निर्धारित है। इस प्रकार खड़ी पाई के रूप में इसकी मात्रा होती है। फिर एक की मात्रा उ की बड़ी की मात्रा छोटा उ की मात्रा बड़े उ की मात्रा फिर देखिए ऋषि की मात्रा ए आई ओ आउ अंग और अह ये कुल मिलाकर 12 मात्राएं। इस प्रकार से इन्हें हम 12 कड़ी कहते हैं और ऋषि को मिलाकर जब 13 मात्राएं लिखी जाए तो 13 कड़ी है। इन स्वरों की जो मात्राएं हम सामान्यतः खड़ी बोली की जितने भी जो व्यंजन बनते हैं उन व्यंजनों के साथ लगाकर इन की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। स्वरों के अंतर्गत जो हम अ से लगाकर आउट पढ़ते हैं अ से आउट ये तो मूल स्वर हो गए। उसके बाद जो अंग और अह ये दो जो इसके साथ ही जुड़े रहते हैं इनको हम अयोगवा कहते हैं अयोगवा। अब इन अयोगवाओं के अंतर्गत तीन प्रकार की ध्वनियां हम पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। पहली जो ध्वनि इस प्रकार से जो बिंदी के रूप में ऊपर आती है शिरोरेखा के ऊपर इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और उसी प्रकार देखिए शिरोरेखा के ऊपर जब चंद्र बिंदु की आकृति के ऊपर एक बिंदी के रूप में आ जाती है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। और इसी के अंतर्गत तीसरा जो किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ में इस प्रकार से दो बिंदियां अंकित हो जाती हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पुनः अनुस्वार जिस प्रकार की मात्रा है ये अनुस्वार की मात्रा है। अनुस्वार एक सिरो रेखा है इसके ऊपर एक बिंदी है ये इस प्रकार का जो सिंबल आता है चिन्ह आता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहाँ पर लगता है कैसे बनता है उसको हम जानते हैं। कहते हैं कि जिनके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है नाक से। यानी जब भी किसी अक्षर का उच्चारण करते हैं जो ध्वनि नाक के साथ न की ध्वनि के जैसे निकल जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ शब्द लिखा है अंकिता अंकिता या नाक के अंतर्गत अंक की बिंदु की ध्वनि उच्चारित हुई है इसीलिए इसको हम कहेंगे अनुस्वार वाला। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है धनंजय नाक के ऊपर एक बिंदी है और ये बिंदी नाक से उच्चारित हो रही है इसीलिए हमें इसको कहेंगे अनुस्वार।
तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिनके उच्चारण में वायु केवल नाक से निकल या नासिका से निकलती हो उसे अनुस्वार कहते हैं। अयोग वाक का दूसरा दूसरी ध्वनि है अनुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत शिरोनखा के ऊपर एक चंद्रबिंदु की आकृति है इंकित होती है। अब इसकी ध्वनि जब हम निकालते हैं तो नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। कैसे निकलेगी ये उदाहरण बताते हैं। जिनके उच्चारण में वायु नाक और मुंह या नासिका या मुंह से निकलती हो दोनों से निकलती हो उन वर्णों को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे सांवला अधिक खांसी सांसी यानी ध्वनि मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। तो इस प्रकार से जो मात्राओं के साथ लिखा जाता है वह नासिक जन वाला शब्द कहलाता है या अक्षर कहलाता है और जब उच्चारण करते हैं तो भी उसको नासिक कहा जाता है। अब देखिए इसी की श्रेणी अयुर्वाद की श्रेणी के अंदर तीसरा है विसर्ग। विसर्ग के अंदर सामान्यतः दो बिंदु अंकित होती है किसी भी अक्षर शब्द के बाद लगाया जाता है। ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत इसकी जो ध्वनि है वो सामान्यतः ह का उच्चारण करती है। किसका उच्चारण करती है ह का। इसकी ध्वनि का उच्चारण करता है वो कैसे करती है आइए हम देखते हैं कि विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप में ह ध्वनि का समान होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें क्रमशः श के बाद ह की ध्वनि निकलती हुई निकलती है क्रमशः। फिर उसके बाद देखिए अंत यानी इसके अंदर जो बिंदी है वो ह के उच्चारण के रूप में ग्रास होते हैं प्रातः। ये इस प्रकार से जब भी कोई उच्चारित किया जाता है या शब्द के पीछे ह समान दवा इसके अंतर्गत ह का समावेश होता हुआ दिखलाई देता हो और उन शब्दों को लिखा जाता हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए हमने जाना कि अयोग वहाँ की प्रमुख तीन ध्वनियाएं अनुस्वार नासिक और विसर्ग है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार या हिंदी वर्णों के भेद के अनुसार दूसरा भेद मुख्य भेद कहलाता है जो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन सामान्यतः हमारे हिंदी वर्णमाला के क से लगाकर ग ग्यारह तक जो 52 प्रकार के ये सारे व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को हम एक अलग अलग स्थान से बुलाते हैं तो हमें कहा गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु जो या उच्चारण निकलने की जो ध्वनि है जिसलिए कहा गया है इसलिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुंह के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन सामान्यतः कैसे ज्ञान तक आइए हम जानते हैं कि हिंदी के व्यंजनों को किस किस स्थान से किस प्रकार बुलाते हैं और ये मुख्यतः कितने कौन से प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। हिंदी के व्यंजनों के अंतर्गत कुल 33 प्रकार के व्यंजन माना गया है जो मुख्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा कहा गया है कि संयुक्त व्यंजनों और अन्य व्यंजन हम आगे देखेंगे इन दोनों को मिला लें तो कुल मिलाकर 39 व्यंजन बनते हैं 39 व्यंजन हो गए और 13 प्रकार के हमारे जो स्वर और अयोगवा है 13 और 39 मिलाकर कुल मिलाकर 52 बन जाते हैं इसलिए हम 52 लिख सकते हैं। ये 13 हो और 39 यानी 52 प्रकार के 52। अब देखिए कि व्यंजन को कौन कौन सी श्रेणी में माना गया है। व्यंजन के अंदर क वर्ग है क वर्ग के अंतर्गत क से लगाकर से हणा तक ये क वर्ग में आ जाते हैं। फिर देखिए छ वर्ग में छ से लगाकर हणा तक त से लगाकर हणा तक त से लगाकर न तक प से लगाकर म तक ये सारे के सारे ये वर्ग ये पांचों वर्ग कहलाते हैं। इन्हीं वर्ग के अलावा अंतस व्यंजन के अंतर्गत हम य र और ल और व पढ़ते हैं। फिर देखिए उष्म व्यंजन के अंतर्गत श स और ह पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में हम चार प्रकार के श र य और श। फिर देखिए अन्य व्यंजन के अंतर्गत कहलाता है एक तो द और एक ड। ये कहता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन से तात्पर्य दो व्यंजन एक साथ है जैसे मैंने ये लिख दिया जैसे एग्जाम्पल के मैंने शब्द लिखा हिस्सा। अब देखिए ये जो
दो व्यंजन एक साथ साथ आए तो कहलाते हैं द्वित व्यंजन। जब कभी भी दो व्यंजन एक साथ आ जाए तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे व्यंजन हैं कि कौन से व्यंजन को कौन सी श्रेणी में रखा गया और कौन सा व्यंजन क्या कहलाता है, ये देखिए सारे वर्ग। अब इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण, इन व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से व्यंजन को किस किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, इस प्रकार के आप देखेंगे कौन से किसको स्थान पर रखा जाता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण भी हमें सामान्यतः तीन प्रकार से माना गया है। पहला है उच्चारण के आधार पर कि इनको कैसे, इन अक्षरों को किस किस स्थान पर किस प्रकार से बुलाते हैं। दूसरा है श्वास तंत्रियों के आधार पर। तीसरा है स्वतंत्र कंपनों के आधार पर। ये तीन मुख्य इस व्यंजन के उच्चारण के तरीके वर्गीकरण के तौर पर बताने का प्रयास है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों को किस प्रकार उच्चारित करते हैं यानी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण का स्थान और वर्ण दोनों देखेंगे। पहला उच्चारण का स्थान है कंठ, कंठ माने इस कंठ से बोलने वाले जो अक्षर हैं वो सारे के सारे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क ख ग ग ये सारे के सारे यहाँ से उच्चारित करते हैं यानी कंठ से किया जाता है, इसीलिए इसको कंठीय कहा गया। फिर इसके बाद ये तालव्य, तालव्य से तात्पर्य मुख का ऊपरी वाला भाग, अंदर वाला भाग जिसे तालव्य कहता है। इसमें चम्मच वाला जो वर्ग है वो वाले जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे वर्ण तालव्य के द्वारा ही उच्चारित किए जाते हैं। फिर तीसरा है मूर्धन्य माने मुँह वाला भाग, मुँह से बोलने जाने वाला भाग, मुँह से बोलने जाने वाले वर्ग है। इसके बाद चटकोण वाला सुवर्ण है ये भी मुँह से बोले जाता है, ट ठ ड ढ ये यानी मूर्धन्य का है यानी मुँह से बोले जाने। अगले तात्पर्य दंत माने दांतों के द्वारा जो स्वर तंतियों को उच्चारित किया जाता है उसे दंते कहेंगे, जिसके अंदर त वर्ग है, त थ द ध यानी यह दांतों से इसका टकराव होता है वायु के द्वारा और फिर इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसीलिए हम दंत कहते हैं। फिर अगला है ओष्ठ माने होठों के द्वारा, होठों को उच्चारण करने के लिए उसका प वर्ग है, प ख ग घ ये चारों अक्षर हैं जो होंठ के द्वारा ही उच्चारित किया जाता है, इन होंठों के द्वारा इसे स्वर तंत्रों को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद नासिकीय माने नाक के द्वारा उच्चारित किया जाए, नाक के अंदर जितने भी न वाले आते हैं जैसे अंग है अना हना और न और म, ये सारे के सारे इनको उच्चारित करने के लिए नाक की ध्वनि के द्वारा उच्चारित किया जाता है। उसके बाद अगला है कंठों से, कंठ और होंठ दोनों को मिलाकर, इस कंठ और होंठों को दोनों को मिलाकर बोलने वाले दोनों स्वर है ओ और आओ। उसके बाद देखिए कंठ और तालव्य, इस कंठ और ऊपर वाला भाग अंदर वाला भाग है तालव्य, इन दोनों को मिलाकर ए और आई को उच्चारित किया जाता है। अंतिम है दंतोष्ठ, दंत और होंठ को मिलाकर बोलने वाला वर्ण है व। तो ये जो सारे के सारे उच्चारित होने वाले हमारे व्यंजन और उनके उच्चारित करने वाले स्थान, इन्हीं स्थानों के द्वारा इन सभी व्यंजनों को हम उच्चारित करते हैं। स्वर और व्यंजन के बाद हमारा अगला बिंदु बनता है वर्ण विच्छेद। सामान्यतः वर्ण से तात्पर्य हमारा अक्षरों से कहा गया है। अब उन्हीं अक्षरों को हम जब अलग अलग कर देते हैं, बिखेर देते हैं, प्रत्येक अक्षर को अलग स्वर अलग और उसमें से व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाता है तो वह कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो आइए इसकी परिभाषा में क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कैसे अलग अलग लिखते हैं वो भी आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जो दो मुख्य बातें हैं उनको समझना अति आवश्यक है। वर्ण विच्छेद क्या कहता है कि इसमें वर्ण के द्वारा हमें यानी शब्दों को सही उच्चारण करने की सुविधा मिल जाती है, यानी वर्ण विच्छेद के द्वारा प्रत्येक अक्षर का सही उच्चारण कैसे किया जाता है उन उच्चारण का सही पता लग जाता है। जैसे अ को कैसे बोला जाए, आ को कैसे बोला जाए, ऊ को कैसे बोला जाए, क को कैसे बोला जाए, ल को कैसे बोला जाए, इसीलिए कहा गया कि शब्दों को सही उच्चारण करने में इसकी सुविधा मिल जाती है। दूसरी मुख्य बात है कि वर्ण विच्छेद से हम अक्षर की सीमा भी आसानी से समझ सकते हैं कि अक्षर की क्या सीमा है, अ की क्या सीमा है, आ की क्या सीमा है, क ख ग जो भी जितने भी व्यंजन या स्वर है उनकी क्या सीमा है उस सीमा का भी निर्धारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं जैसे मैंने कहा अभी क आपने पूरा अक्षर है, अब जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के अंतर्गत से जो अ की ध्वनि है उसको अलग कर देंगे,
तो देखिए इसकी सीमा अलग होगी, इसकी सीमा अलग है, सीमा का निर्धारण किया, यानी इसको समझने में हमें आसानी से मिल सकती है। तो आइए इन्हीं दोनों बिंदुओं के आधार पर हम विभिन्न इसके एग्जाम्पल उनको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा क्लियरली समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सबसे व्याकरण, व्याकरण को हम वर्ण विचित करते हैं। वर्ण विचित करने के लिए प्रत्येक वर्ण को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग बिखेरना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसके अंदर सबसे पहला अक्षर है ग, और ग को हम हल चिन्ह के साथ में इसको स्वतंत्र बनाएंगे। उसके बाद देखिए यह है, यह ध्वनि के अंतर्गत आ की ध्वनि है, तो हमने आ का स्वर लिख दिया। फिर देखिए क है, क व्यंजन के साथ में अ की ध्वनि है। उसी प्रकार देखिए र है, र के साथ अ की ध्वनि है। उसके बाद में हण है, हण के अंतर्गत अ की ध्वनि है। हमने प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर दिया, यानी इस वर्ण को अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, इसमें अलग अलग सारे के सारे जमा योग चिन्हों के साथ में सबको अलग अलग कर दिया, और इन सबको जोड़ा जाए तो वापस व्याकरण शब्द बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से शब्द का अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिल्ली है। दिल्ली के अंदर देखिए द व्यंजन है, इसके अंदर में देखिए ई की मात्रा है, ई की ध्वनि है। फिर इसके बाद देखिए ल है, ल अपने आप में आधा है, तो हर चिन्ह के साथ में इसको ल लिखा जाएगा। उसके बाद में ली है, ल के अंतर्गत बड़ी की ध्वनि। हमने प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर दिया। अब देखिए सामाजिक है, स के साथ आ की ध्वनि है। फिर देखिए मग में आ की ध्वनि है। फिर देखिए ज में ई की ध्वनि है। फिर देखिए क के अंतर्गत अ की ध्वनि। इसको हमने अलग अलग कर दिया, ये भी वर्ण विचित कर। फिर देखिए साधु, स में आ की ध्वनि है, प्लस ध में ऊ की ध्वनि है। उसी प्रकार अंतिम है मृग रैनी, म के अंतर्गत ई की ध्वनि है। तो देखिए म है, म के अंतर्गत ऋषि आ जाएगा, वर्ण आएगा। फिर उसके बाद में ग है, ग में और की ध्वनि। फिर देखिए न और की ध्वनि। फिर य और की ध्वनि, प्लस ध के अंतर्गत बड़ी ध्वनि। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग वर्ण को लिखा, उनके स्वर और व्यंजन दोनों को हमने अलग अलग करके प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी शब्द को हम अलग अलग करके दिखाते हैं तो हम उसे वर्ण विचित कहते हैं। ये थी वर्ण विचित की परिभाषा, यानी अलग अलग शब्दों को करना ही वर्ण विचित कहलाता है। धन्यवाद।